हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ अरवी की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी और इसको बनाएंगे हम एक अलग अंदाज में। और यह सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे रोटी, पराठा, पूरी किसी के भी साथ खाइए। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आपको जहाँ एक रोटी खानी होगी, आप वहाँ तीन चार रोटी खा जाओगे, इतनी टेस्टी ये सब्जी बनती है। तो चलिए अब इस सब्जी को हम बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ तीन अरवी ले ली है। पहले मैं अपने हाथ पर सरसों का तेल लगा लूँगी, क्योंकि इसको हाथ लगाने से खुजली शुरू हो जाती है। तो पहले आप हाथ पर तेल लगा लीजिए सरसों का, उससे हाथ में खुजली नहीं होती है। और फिर इसको छीलिए। तो देखिए मैंने हाथ पर तेल लगा लिया है, तो अब हम अरवी को छील लेंगे। देखिए जिससे हम आलू छीलते हैं, वो मैंने चक्कू ले लिया है और अरवी को हम अच्छे से पहले सभी को छील लेंगे। देखिए मैंने इनको छील लिया है और बीच में से कट कर लिया है, और दो आलू भी ले लिए है बड़े साइज के, उनको भी मैं काट लूँगी। और अब इनको हम कुकर में डालकर उबाल लेंगे, दो तीन सीटियाँ लगा लेंगे। तो बीच में से कट कर देंगे और उबाल लेंगे, तक हम और सामान की तैयारी कर लेंगे। जैसे मैंने ले लिए दो टमाटर, कुछ प्याज और हरी मिर्च। प्याज को हम बारीक बारीक काट लेंगे, टमाटर को भी और हरी मिर्च को भी। इन सभी चीज़ों को पहले हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। हमने प्याज, हरी मिर्च और टमाटर को भी काट लिया है। मैंने यहाँ ले लिया एक अदरक का टुकड़ा और थोड़े से यहाँ मैंने लहसुन ले लिए छील कर। देखिए मैंने अरवी और आलू को उबाल लिया है। अब इन सभी को हम छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे पीसेज में आलू और अरवी को हमें काट लेना है। मैंने एक कढ़ाई ले लिया और इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल। इस सब्जी को हम सरसों के तेल में बनाएंगे और तेल को पहले अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हम हाफ चम्मच जीरा डाल देंगे और इसको तड़कने देंगे। हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, साथ ही डाल देंगे अरवी और आलू जो हमने बॉईल करके रखे थे, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इनको हम चम्मच से हिला देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और देखिए गैस की फ्लेम मैंने मीडियम से थोड़ी तेज ही रखी है। तो हिलाएंगे और इसको हम ऐसे ही थोड़ी देर छोड़ देंगे और बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे। करीबन दो तीन मिनट तक ऐसे ही इसको हम पकाएंगे। ऐसे ही खुला ढकेंगे नहीं और गैस को भी तेज ही रखेंगे। तो दो तीन मिनट के लिए इसको ऐसे ही हम पका लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, फिर से इसको हिला देंगे। तो ये देखिए एक मिनट हो गई है इसको पकते हुए, देखिए हल्के हल्के लाल होने लगी है। तो एक दो मिनट और इसको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दो तीन मिनट आराम से हो गए है इसको फ्राई होते हुए। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर और एक चम्मच भर कर इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर। फिर इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। फिर सारी चीज़ों को हम चम्मच से मिक्स कर देंगे अच्छे से। सारे मसालों को हमें अरवी में मिक्स कर देना है, ताकि सारी अरवी पर मसाला अच्छे से लग जाए। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, और टमाटर को भी इसमें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें मैं एक चम्मच डाल दूंगी नमक, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। और नमक को भी अच्छे से इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। फिर इसको ढककर हम गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और ढककर इसको हम पका लेंगे, ताकि सारा मसाला भी अच्छे से पक जाए। तो हम गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकने देंगे। अब ये देखिए इसमें मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दूंगी,
साथ में, और इसको भी मिक्स करके फिर से हम ढक के रख देंगे इसको पकने के लिए। तो ये लीजिए हमारी सब्जी अब पक गई है। देखिए ढक्कन हटा कर देखेंगे और इसको कर देंगे एक बार फिर से मिक्स, एक बार हिला देंगे। तो अब हमारी ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको गैस से उतार लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी सब्जी कितनी जल्दी बन गई है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर भी करना। तो अब इसको हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये लीजिए हमारी अरवी की सब्जी बनकर तैयार हो गई। और देखिए इसमें ना तो मैंने कुछ ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल किया है और फटाफट ये बन भी जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ज़रूर एक बार इसको इस तरह से बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी ये अरबी की सब्जी बनती है। अगर एक बार आप इस तरीके से बनाओगे ना तो आप बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करोगे, इतनी ये टेस्टी सब्जी बनती है। तो ज़रूर इसको इस तरीके से बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।